हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल उल्टा घड़ी। और इस घड़ी पे आपके साथ हूँ मैं, हूँ मुआशदा, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो जो गवर्नमेंट का नीट गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है खुद का, जो कुछ पेज चेंज हो चुका है और साइट पे देखिए टाइम काउंटडाउन हो रहा है। तो ओपन होने के साथ साथ कैंडिडेट भी बहुत ही ज़्यादा है, तो कंपटीशन ज़्यादा होने के वजह से ये आपको शायद थोड़ा दिक्कत होगा फिलअप करने के लिए। तो अगर आप साइबर कैफ से फिलअप कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर लगे रहना होगा। आज तो बहुत ही नेट स्लो हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो देखती हूँ 11:55 जैसे देता है कि नहीं, थोड़ा डिले करता है। चलिए, तो इनका जो खुद का वेबसाइट है वो क्या है, www.cbseneet.nic.in। ओके, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे फिर भी हम दे दूंगी, आप लोग वहाँ से भी कलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली तो आप जानते ही होंगे, अगर आप पहला है तो आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि किस तरह से एक फॉर्म फिलअप किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं नीट यूजी 2018, यहाँ पर अप्लाई यूजी करके आएगा। तो उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपका जो नाम, आइडेंटिटी प्रूफ, फर्स्ट स्टेप जो होता है वो सारे के सारे देना होता है। तो उसके बाद नाम, आइडेंटिटी प्रूफ देने के बाद आपका जो आप कौन से क्लास में पढ़ते थे, कौन सा ग्रेड लाए हैं, कौन से कैटेगरी पे हैं, आपका कौन से जेंडर पे है, इस तरह के कुछ क्राइटेरिया होता है वो फिलअप करना पड़ता है। ये रहा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप के बाद थर्ड स्टेप जो आता है, बेसिकली वहाँ पर आपका जो थंब इम्प्रेशन देना पड़ता है, मीन्स थंब इम्प्रेशन देना के बाद उसके साथ साथ आपका डिजिटल फोटो, एक सिग्नेचर वहाँ पर डालना होता है। उसके बाद आप सबमिट करके बाहर आ जाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। और उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन आपके फिलअप किए हैं फॉर्म को, वो आपके सामने डिस्प्ले होगा और उससे आप वहाँ पर अपना जो पेज फिलअप किया है वो डाउनलोड के लिए आ जाएगा। तो वहाँ से डायरेक्टली आप प्रिंट आउट और डाउनलोड भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से प्रिंट आउट कर लेना आपके लिए सही होगा। सो गाइस, और 2 सेकेंड बाकी है, तो देखते हैं मेरा जो प्रोसेस अभी लोग के लिए बताया वो चेंज हुआ कि नहीं। ओके गाइस, और लास्ट डेट जो है इनका वो है कि 9 मार्च तक ये आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो पेमेंट करना पड़ेगा 10 मार्च के अंदर ही कर देना होगा। और इसके लिए आप तो जानते ही होंगे, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मीन्स नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट से पेड कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपका जो पिछला जो साल किए थे, मीन्स पोस्ट ऑफिस पे करके, बैंकिंग पे करके ये आप डाल सकते हैं। और इनका थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा है, 1000 से ऊपर, और SC ST के लिए स्पेशली उन लोगों के लिए तो कुछ कम दिखाई दे रहा है, आप लोग देख ही सकते हैं। देखिए, फॉर UROBC यहाँ पर 1400 एंड अदर SC ST PH जो लोग हैं वो है कि ओनली 750 रुपीज़। सो गाइस, इनमें से जो मैंने स्टेप बताया वही सिंपल एक स्टेप है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, सिंपली स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, यहाँ पर आके देख लीजिए, 4 स्टेप पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। जो प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन नीट 2018, नीचे आके आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो चलिए फिर से आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आके आपको वेबसाइट जो है www.cbseneet.com, ओके, इंटर दबाना है। देखती हूँ, देखिए ये आ चुका है। और अगर आप चाहे तो .nic.in पे कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन सर्विस, अप्लाई ऑनलाइन, वहाँ पर जाके यहाँ पर आपका जो क्राइटेरिया है सब कुछ फिलअप देख लीजिएगा, आप फिलअप कर सकते हैं कि नहीं। और उसके बाद एकदम लास्ट पेज के एंड पे यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर पे लिखा आया है,
के प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन नीट 2018 यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका नाम, मदर नाम, फादर नाम, कैटेगरी सब कुछ, यहाँ पर जो डिटेल्स है ये सारे फिलअप कर देना होगा। और लास्ट यहाँ पर आके आपका जो यहाँ पर एक इमेज दे रहा है ये डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रीवियस एंड नेक्स्ट पेज पे जाना होगा। ये क्लिक करने के बाद, ये फुलफिल हो जाने के बाद आपका जो खुद का आई मीन्स कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए थे, इन डिटेल्स कौन सा क्लास में कौन सा परसेंटेज आए थे सब भरना है। वो हो जाने के बाद आपका सिग्नेचर, फोटो एंड थंब इम्प्रेशन देना है और हो जाएगा आपका फॉर्म फिलअप। सो गाइस हरी अप, टाइम बहुत ही कम है। सो अगर इस न्यूज़ को देख के आपको थोड़ा सा कुछ मदद हुआ है आप फील करें तो, और एक लाइक कमेंट ज़रूर दे दीजिएगा, और उसके साथ साथ चाहे तो एक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के हेल्प के बिना हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे।